हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आ गए गंदम और कंप्यूटर अलाइनमेंट के लिए आए हुए हैं। और ये कंप्यूटर है और ये पूरा उनका सिस्टम है। गाड़ी पूरा उसके सिस्टम के ऊपर सीधा खड़ा करवाते हैं और फिर ऐसा सिस्टम लगाते हैं। और ये पूरा सेंटरिंग का मशीन है और चारों दिशाओं में ऐसा लगा के फिर मशीन अंदर डाल देते हैं और इसकी वजह से पूरा सेटिंग आ जाता है। ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, मेरे को तो कम पता है इसमें, आपको जरूर पता होगा तो कमेंट करके बताना। और बहुत सारी गाड़ी खड़ा हुआ है, आप देख सकते हो पूरा कंप्यूटर के डर में काम हो रहा है। और नीचे से बैलेंस रॉड ढीला टाइट करके वो एडजस्टमेंट करते हैं। देख सकते हो नीचे में बंदे खड़े हुए और ये बाहर का पूरा सिस्टम है। इससे क्या होता है कि गाड़ी का टायर ट्रॉली थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा चल रहा होता है, वो सीधा हो जाता है तो टायर गाड़ी नहीं खाता है।
तो फाइनली दोस्तों अपना काम सेंटरिंग में हो गया है और दोनों एक्सल सीधे हो गए हैं। अभी बैलेंस रॉड को टाइट कर रहे हैं और मशीन से नीचे टाइट कर रहे हैं, वो बैलेंस रॉड है। और अभी आधा घंटा में काम हो जाएगा, देख सकते हो नीचे में आदमी खड़े हुए, नीचे एक नाली जैसा बनाया हुआ उसमें आदमी खड़ा रह जाता है अच्छे से। तो दोस्तों ये बूस्टर है हवा का जो ब्रेक लगता है और यहाँ से लीक हो गया है और हम नया लेके आए 500 रुपये का। और ये पूरा पीछे का ब्रेक सिस्टम है, इसके अंदर लगता है और सामने ये रहता है उसके अंदर लगता है, ये बूस्टर बोलते हैं इसको। अंदर में रबर का रहता है, इसको लीक होने से पूरा हवा ब्रेक मारते तो लीक हो जाता है, इसलिए नहीं डालना है। मैंने हाथ से ही खोल दिया है, अभी खुद में डालूंगा। अपने से थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत आ जाएगा। देख सकते हो कटोरी जैसा है।